हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों से इस प्लांट के बारे में बात करूंगी जिसको हिंदी में जराकुस बोलते हैं और जराकुस के नाम से इसे ही ज़्यादा जाना जाता है और इसे लेमन ग्रास भी बोलते हैं। लेमन ग्रास एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है जिसके बहुत मेडिसिन वगैरह में काम आते हैं। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं इस प्लांट में कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। तो इसको हर घर में मैंने देखा है लगते हुए। आज इसी के बारे में मैं कुछ बात करूंगी आप लोगों से, इसकी थोड़ी सी केयर बताऊंगी, कुछ फ़ायदे बताऊंगी और इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊँगी और इसकी कम्प्लीट केयर बताऊँगी आप लोगों को, ताकि आप इस बारिश के मौसम में, जो इस समय मौसम चल रहा है, तो आप लोग लगा सकते हो। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप एक स्टिक कहीं से ले आइए और उसको लगा दीजिए और ये अपने आप इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है कि नीचे से ही ये जो है नई नई जो है ब्रांचें निकालता रहता है जड़ों से अपनी और ये ग्रोथ करता जाता है। और मैंने एक ही डंडी में कहीं से लाई थी, लगाई थी और ये काफ़ी अच्छा हो गया। देखो अब कितना, और पूरा ये गर्मियों में पूरा सूख गया था, अब इधर ये थोड़ा सा ग्रीन हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं आप लोगों को इस पे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कुछ फ़ायदे इसके बारे में और कुछ केयर इसकी बताती हूँ, ताकि आप लोग लगा सकते हो जिनके यहाँ नहीं है, शायद इसके फ़ायदे सुन के वो भी अपने घर में लगा लें। तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी केयर बताऊँगी कि इसकी केयर कैसे करते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, कम केयर में अच्छा प्लांट है। आप इसको नर्सरी से ला के लगा दीजिए, कैसी भी मिट्टी हो, बस थोड़ा सा वलड्रेन हो, बहुत ज़्यादा मतलब सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए इसकी, थोड़ा वलड्रेन हो। जैसे कि मैंने कहा ये लेमन ग्रास है तो मतलब घास की तरह दिखने वाला प्लांट है ये, तो मतलब एक अलग ही ये घास समझ लीजिए है। और बस ये होता है कि जो घास होती है वो छोटी छोटी ज़मीन में रहती है और ये थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन जो है ये लेमन ग्रास बहुत फ़ायदा करती है सभी को। तो इसको लगाने के लिए बस वलड्रेन मिट्टी थोड़ी सी आपको बनानी पड़ेगी, अगर नर्सरी से प्लांट लाए हैं या फिर कहीं से आप मिल जाता है तो आप थोड़ा सा उसका एक कटिंग ले आइए। कटिंग का मतलब एक स्टिक इसकी निकाल लीजिए, नीचे से जड़ सहित निकालिए, क्योंकि ऐसा प्लांट नहीं है कि आपने आधा काटा और कटिंग से चल जाएगा, आपको जड़ सहित लेना पड़ेगा। जड़ सहित आप एक स्टिक इतनी सी निकाल लीजिए और उसको लगा दीजिए गमले में ला के। और फिर और इसके लिए कोई मतलब ज़्यादा विशेष देखभाल वाली कोई चीज़ नहीं करना है, बस आपको नाइट्रोजन इसको देना है ताकि इसकी पत्तियाँ अच्छी निकलें। और वलड्रेन मिट्टी में आपको करना क्या है, मिट्टी अपने गार्डन की लेना, गोबर की खाद लेना है और जो चीज़ें आपके पास है वलड्रेन बनाने के लिए मिट्टी, वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि पत्तियों की खाद है, गोबर की खाद है या कोई भी खाद आप ले सकते हो। मिट्टी वलड्रेन होनी चाहिए, मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए, सख्त मिट्टी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पानी, मैंने देखा है कि पानी अगर बहुत ज़्यादा इसमें रुका रहता है तो इसकी टहनियाँ इस तरह से सूखने लगती है, देखो इस तरह से सूख जाती हैं, ये देखो है। तो मिट्टी आप लोगों को वलड्रेन बनानी है, मिट्टी में पानी डालिए और तुरंत मिट्टी से पानी बाहर निकल जाए, ऐसी मिट्टी होना चाहिए। हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ड्राई भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं इसको, क्योंकि ड्राई मिट्टी में भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेता है। लेकिन आज जो गर्मी वाला मौसम आके चला गया है, अभी भी थोड़ा थोड़ा है वो, लेकिन जो है उसमें भी देखा मैंने कि अच्छी ग्रोथ करता है। बस एक टाइम पानी आपको देना है, बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी अगर सख्त होगी तो इसको प्रॉब्लम होगी, हल्का सा वलड्रेन मिट्टी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। गमला आप कैसा भी लीजिए, मिट्टी का ही गमला ज़्यादा अच्छा होता है, मैंने हमेशा बताया है कि मिट्टी का गमला आप लीजिए। मिट्टी के गमले में एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है सभी प्लांटों के लिए और जो रूट्स होती हैं वो ठंडी रहती हैं, क्योंकि मिट्टी का गमला होता है, एयर सर्कुलेशन जब अच्छा होता है तो जड़ें ठंडी होंगी, हेल्दी होंगी, तो हमारा प्लांट भी ऊपर से बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग हमेशा जो है मिट्टी का गमला ही लीजिए। गमला जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, हाँ ये है कि जितना
जितना बड़ा गमला आप प्रोवाइड करोगे उतने ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इसकी होगी। लेकिन जैसे शुरुआत में आप शुरुआत कर रहे हैं इस प्लांट को लगाने के लिए, तो उस हिसाब से आप जो है गमला प्रोवाइड करते रहिए। अगर छोटा प्लांट है तो छोटे गमले में लगा दीजिए, अगर बड़ा है जैसा कि देखिए ये मेरा पूरा ग्रोथ कर गया है, अब इसको मैं चाहूँ रिपोर्टिंग करना तो पूरा गमला निकाल के इससे बड़े गमले में मैं शिफ्ट कर सकती हूँ, तो वो कर सकती हूँ। और जो है इस तरह से आप बड़ा गमला, जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसको बड़ा गमला दे दीजिए, मतलब प्रोवाइड करवा दीजिए, तो अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। और मैं बात कर रही थी सनलाइट की, तो फुल सनलाइट का प्लांट है, शेडी एरिया में आप लोग इसको मत रखिएगा, क्योंकि शेडी एरिया में रखेंगे तो ना ही इसकी पत्ती इतनी ग्रीन होगी और ना ही जो है ये इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। ये प्लांट मेरा फुल सनलाइट में है, फुल सनलाइट में रखा हुआ है, आप देख सकते हो मैंने इसको शेडी एरिया में रख के देखा है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बिल्कुल सूख गया था, सड़ गया था। मैंने इसमें जो हरी हरी ब्रांचें थी उनको निकाला, फिर से दूसरे गमले में लगाया, तब जाके ये इतनी अच्छी ग्रोथ किया। तो मुझे इससे ये पता चला कि ये फुल सनलाइट का प्लांट है, शेडी एरिया में तो भूल के भी आपको नहीं रखना है। अब बात करती हूँ, जैसे मैं कह रही थी कि फुल सनलाइट का प्लांट है, अगर कहीं आपको आपके घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे फुल सनलाइट इसको मिल सकती है सुबह से शाम तक, तो आप ऐसी जगह इसको रखिए जहाँ पे 12 बजे तक धूप इसको अच्छी खासी मिले। 12 बजे तक इसको अगर सनलाइट मिलेगी तब भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। बाकी दिन की सनलाइट अगर इसको नहीं मिल रही है आपके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो 5-6 घंटे की सनलाइट सुबह वाली मिल जाती है उसमें भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो आप लोग ये ना सोचिए कि ये जो है मतलब पूरे दिन की सनलाइट नहीं है तो मैं ये प्लांट ना लगाऊँ, इसको लगाइए। और मेरे हिसाब से तो 5-6 घंटे की सनलाइट इसके लिए बहुत है, तो आप अपने घर के मुताबिक जैसा धूप आती हो वैसे ही आप इसको रख सकते हैं। कुल मिला के इसको शेडी एरिया में मत रखिएगा। और अब पानी की बात करती हूँ, पानी कैसे देना है आपको। और आप लोग जानते हैं कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जून मई जून की गर्मी जो होती है सभी प्लांटों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, चाहे जितना उनको खाद पानी दो कुछ भी असर नहीं करता है। तो इस समय तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, 2 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है, तो आपको करना क्या है, पानी तो जैसे मई जून का महीना शुरू होता है तो एक टाइम तो डेली पानी आपको देना ही देना है। और मैंने कहा ये फुल सनलाइट का प्लांट है, आपको डेली पानी देना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि मिट्टी एक ही दिन में उसकी ड्राई हो जाती है, तो पानी तो आपको देना ही देना है, तो एक टाइम आपको पानी देना है। और मैंने हमेशा बताया है जितना हो सके तो शाम को ही पानी आप डालिए इसमें, सभी गमलों में, मतलब इसमें क्या सभी गमलों में। गर्मी में शाम को पानी देने का फ़ायदा ये होता है कि रूट्स जो होती हैं वो ठंडी रहती है, रात भर प्लांट हमारा रेस्टिंग पीरियड पे रहता है, और फिर अगले दिन जो है वो अपना जो धूप सहने की ताकत जुटा के जो रात भर रखता है वो अगले दिन काम आता है। तो आपको देना शाम को पानी है, और शाम को पानी जब देंगे तो इसकी रूट्स ठंडी होंगी, पूरे प्लांट को नहला दीजिए। अगर कभी आपसे ओवर वाटरिंग हो भी जाती है और फुल सनलाइट में प्लांट रखा है तो इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन मतलब जैसे आपने डेली पानी इसमें भर भर के दे दिया, और पानी जैसे विंटर सीजन में आप डेली पानी दे दिया इसको, तो पानी भरा रहेगा तब ये प्लांट हमारा मर जाता है बहुत जल्दी ओवर वाटरिंग से। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, इस समय गर्मी हो रही है तो एक टाइम पानी चाहिए, लेकिन बारिश में तो पानी इसको ऑलरेडी मिलता ही रहता है, बारिश का उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बारिश के पानी जब इसमें पड़ता है तो इसमें नाइट्रोजन इसको बहुत अच्छी मिलती है, तो ये और ज़्यादा अच्छा घना निकलता। अभी तो मेरा प्लांट ये आप लोग ऐसा देख रहे हो, लेकिन अभी मैं कुछ यही बारिश में आप देखिएगा लास्ट बारिश तक का इसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा ये बहुत ग्रोथ करेगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, खाद वाद की ज़्यादा ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। अगर बारिश में या विंटर सीजन में आप लोगों ने इसको गोबर की खाद दे दिया तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और बहुत ज़्यादा खाद केमिकल वाली इसको नहीं देना है, क्योंकि मैंने ये बताया कि जो है ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। लेकिन खाद वाद ज़्यादा देने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है, बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। हो सके तो इसको गोबर की खाद आप लोग साल में 2 बार ज़रूर भर भर के दीजिए इसको,
ताकि ये बहुत अच्छी ग्रोथ करे। ये बस ये जो झाड़ आप देख रहे हैं घास वाली, यही काम आती है। इसमें कोई फ्रूट नहीं निकलता है और कोई भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। ये जराकुस है और इसको लोग चाय में डालते हैं अदरक की जगह। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, पहले इसकी केयर बता देती हूँ। तो आपको करना क्या है, खाद के बारे में बात कर रही थी, तो गोबर की खाद आप बेहतर है देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साल में दो बार भर भर के खाद इसको दीजिए, क्योंकि ये बस पत्तियों की वजह से ही लगाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देखभाल इसकी करनी नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा केमिकल वाली खादें इस पर ना यूज़ करिए, ताकि जो है प्लांट जो है ख़राब हो जाए। बस आप गोबर की खाद दे दीजिए, इसको फुल सनलाइट में रख दीजिए, पानी का ध्यान रखिए, इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान रखना है। कटिंग से लगने वाला नहीं है प्लांट, जब भी लगेगा जड़ से ही लगेगा। ऊपर आप ऊपर का हिस्सा पूरा काट दीजिए और नीचे एक जड़ होती इतनी मोटी सी, बस वही आपको लगाना है। जैसे बल्ब होता है उसका अमेलिस लिली का, उसी तरह के इतना बड़ा सा इसका जो है नीचे की जड़ होती है, वही आपको लगाना पड़ता है। उसी से ये धीमे धीमे ग्रोथ करता जाता है। इसके फ़ायदे मैं बताती हूँ आपको। ये जराकुस है, सभी लोग जानते होंगे, और इसको चाय में डाल के पिया जाता है, और चाय में ये अदरक की जगह डाला जाता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं शरीर में, कैंसर की बीमारी को रोकता है, और जो है हमारा डाइजेशन भी अच्छा रखता है। और सर्दी जुखाम बुखार जब हो जाता है, जब मौसम का थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, तब उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आता है। जिसको फीवर हो, खांसी आ रही हो, खांसी ना रुक रही हो, तो इसको चाय में डाल के इसका काढ़ा बनाया जाता है। अगर खांसी लगातार आती जा रही हो, बुखार नहीं उतर रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, शरीर में दर्द हो, तो इसका काढ़ा बना के पिया जाता है। बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। इसमें ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस प्लांट को इसी तरह आप लोग केयर करके लगा सकते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारा मेरे यहाँ लगा था, मैंने डेली चाय में बहुत डाल डाल के इसको पिया है, और सभी लोग पीते हैं, सभी लोग इसके फ़ायदे भी जानते हैं। बहुत सारी बीमारियों में ये काम आता है, और इसका काढ़ा भी बनाया जाता है, चाय में भी डाला जाता है, इसीलिए लोग लगाते ही हैं इसको, लेमन ग्रास को। इसमें थोड़ा सा नींबू का स्वाद आता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं पीना चाय में। और मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा जो है घर में सभी को मैं देती थी, जब मौसम बदल रहा था, विंटर सीजन से जब समर सीजन शुरू होता है तो सभी को सर्दी जुखाम बुखार सभी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसी का काढ़ा बना बना के दिया जाता है, तब जाके वो थोड़ा सा ठीक होता है। तो आप लोग इन्हीं बातों को ध्यान में रखिए और इसको लगाइए इस सीज़न में। बहुत फ़ायदेमंद प्लांट होता है, बहुत अच्छा होता है, और इसको जितना हो सके चाय में डालिए, रोज़ पीजिए। तो आज मैंने आप लोगों को बताया जराकुस और लेमन ग्रास के बारे में, कुछ केयर बताई, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताएं आप लोगों को, और कुछ फ़ायदे बताएं इसके बारे में। तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है, और आप इसको लगाइए इस सीज़न में, और काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं इसके, और वो फ़ायदे भी उठाइए। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए जितना हो सके। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।